ऑन प्राइस इलास्टिस जब हम बात करते हैं सप्लाई के सप्लाई बेसिकली डिपेक्स एसोसिएशन बिटवीन प्राइस एंड क्वानिटी सप्लाई और यह बेसिकली पॉजिटिव स्लो मुझे क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस इंक्रीजेस क्वान्टिटी सप्लाई विल इंक्रीज और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो क्वान्टिटी सप्लाई क्या होगी इट विल डिक्रीज लेकिन जब आप बात करते हो ऑन प्राइस इलास्टिसिटी बेसिकली मैर्स द चेंज इन क्वॉंटिटी सप्लाई टू चेंज इन प्राइस इन रिलेटिव टर्म्स और जब आप इलास्टिस की बात करते हो हम कहते हैं मैरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑन दप्लाई कर एंड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज बेसिकली मैर मैयर ऑफ एवरेज इलास्टिसिटी बिटवीन टू पॉइंट ऑफ दर्व अब इस चीज को इलेबरेट करने के लिए हम यहां पर एक सप्लाई करो कर रहे हैं डायग्राम में हमने ऑरिजेंटल एक्सिस पे क्वान्टिटी ऑफ ऑनियन लिया और वर्टिकल एक्सिस पे हम प्राइस ऑफ ऑनियन ले रहे हैं और यहां पर इस सप्लाई करेटिंग टू पॉइंट इज पॉइंट ए एंड अदर पॉइंट इज पॉइंट बी इफ प्राइस इज इक्वल टू पी एन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट इज इक्वल टू क्यू एस ए और हम यहां परल्चर आउटपुट इंक्रीजेस प्राइस बन गई पी बी देन अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर प्राइस फार्मर इज विलिंग टू सप्लाई क्वांटिटी ऑफ क्योंकि हम यहां पे बात करें अबाउट मार्केट सप्लाई तो मैं कह सकता हूं कि मार्केट सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट इज इक्वल टू क्यू एस एफ प्राइस इज इक्वल टू पी एंड मार्केट सप्लाई ऑफ ऑनियन इज इक्वल टू क्यू एस बी इफ प्राइस इज इक्वल टू पी बी अब यहां पे एक तो यह है कि हम पॉइंट इलास्टिसिटी कंप्यूट कर लें इलास्टिसिटी कंप्यूट करें अगेंस्ट पॉइंट ए आर अगेंस्ट पॉइंट बी जब हम इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी कंप्यूट करेंगे तो हम उसे कहते हैं दिस इज द पॉइंट इलास्टिसिटी लेकिन हम यहां पे मैयर कर रहे हैं आर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब वी आर बेसिकली मैरिंग द इलास्टिसिटी बिटवीन द टू पॉइंट बिटवीन द बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ दप्लाई कर अब यहां पर हम जो आप कह लें डिनोमिनेटर पार्ट है आपके पास वहां पे हम इंडिकेट कर रहे हैं रेलेटिव चेंज इन प्राइस और न्यूमिरेटर में हम आपके पास इंडिकेट कर रहे हैं रेलेटिव चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई सो व्हेन वी डिवाइड रेलेटिव चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई विद रेलेटिव चेंज इन प्राइस तो यहां पे जो मेरे पास टर्म आएगी उसको हम कहते हैं दैट इज दी इलास्टिसिटी लेकिन यहां पे हम जो इलास्टिसिटी कंप्यूट कर रहे हैं वी आर कंप्यूटिंग दैट इलास्टिसिटी बिटवीन टू बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ दर हांजी क्यू एस बी यहां पर क्या था दिस इज क्वांटिटी सप्लाई वेन प्राइस इज इक्वल टू पी बी वाइल क्यू एस एज द क्वानिटी सप्लाई वेन प्राइस इज इक्वल टू पी ए और ये दोनों चेंज ये क्यू एस बी माइनस क्यू एस ए इंडिकेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बिटवीन टू पॉइंट्स और यहां पे अगर मैं एवरेज क्वांटिटी सप्लाई की बात करूं बिटवीन दीज टू पॉइंट्स तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं हम क्वांटिटी सप्लाई एट पॉइंट बी और क्वांटिटी सप्लाई एट पॉइंट ए को ऐड करके इसको टू पे डिवाइड कर रहे हैं और इस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को हम डिवाइड कर रहे हैं अबाउट द एवरेज क्वांटिटी सप्लाई बिटवीन दीज टू पॉइंट्स फिर इसी पैटर्न पे जब हम प्राइस की बात करेंगे

अगर मैं एवरेज प्राइस की बात करूं बिटवीन दीज टू पॉइंट्स तो उसको ऑप्टेन कर करने के लिए हम ऐड कर रहे हैं प्राइस एट पॉइंट बी एंड प्राइस एट पॉइंट ए और फिर इसको टू पे डिवाइड कर रहे हैं और जब हम इन दोनों टर्म्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली वी विल ऑप्टेन वैल्यू ऑफ आर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बिटवीन दीज टू बिटवीन दीज टू पॉइंट्स और इसको हम कहते हैं दिस इज द एवरेज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब आप इस इलास्टिसिटी को कंप्यूट करोगे इट माइट बी पॉसिबल द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ़ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस और इस केस में आपकी सप्लाई कर्व क्या होगी इट विल बी फ्लैटर कर्व माइट बी पॉसिबल हम कहें कि सप्लाई इज इन इलास्टिक जब आप इन इलास्टिक की बात करोगे कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज लेस देन वन और ये लेस देन वन होगी तो आपके पास सप्लाई कर्व क्या होगी इट इज अर स्टीपर कर्व यूजअली जब आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मार्केट सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट इज परफेक्टली इन इलास्टिक के इस केस में जो आपकी सप्लाई करव होगी दैट इज अ वर्टिकल लाइन के सप्लाई कर्व इज पैरल टू वाई एक्सेस और ये जो परफेक्टली इन इलास्टिक होती है इंडर वेरी शॉर्ट वन पीरियड सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट इज परफेक्टली इन इलास्टिक देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस देर इज नो रेलेटिव चेंज इन क्वानिटी सप्लाई बिकॉज ऑफ रेलेटिव 1.5 तो ये मुझे क्या इंडिकेट करेगा इट विल इंडिकेट किन परसेंट देन क्वान्टिटी सप्लाई विल इंक्रीज बाई वन पॉइंट फाइव परसेंट और यहाँ पे ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है इट इंडिकेट सप्लाई इज इलास्टिक कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस जी अब यहां पे देर इज आल्सो एन एसोसिएशन बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड रेवेन्यू हांजी जब आप रेवेन्यू की बात करते हो तो रेवेन्यू किस चीज के इक्वल होता है रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाइड बाई द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और हम यहां पे बात करें आर इंक्रीज, बाई वन में मेरे केस में कितने इंक्रीज आया था कि क्वांटिटी तो सप्लाई इंक्रीज जी टोटल रेवेन्यू में कितना इंक्रीज आएगा टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज बाय 2.5 पॉइंट फाइव परसेंट जो भी आपके प्राइस में इंक्रीज आया और जो आपकी क्वांटिटी में इंक्रीज आया हम उन इंक्रीजेस को ऐड करके बता सकते हैं कि टू वट एक्सटेंट रेवेन्यू ऑफ द फार्मर विल इंक्रीज और ये अगर मैं इस सारे को अब समराइज कर दूं तो बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज एन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हां जी वो आपको आप कह लें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कि आई वट इज द नेचर ऑफ द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट इन द मार्केट हाँ जी कि यहाँ पे जो भी प्राइसिस हैं इफ इफ सप्लाईज परफेक्टली इन इलास्टिक तो जो भी आपकी प्राइस डिटर्मन होगी मार्केट में दैट डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस इन द मार्केट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल आउटपुट